सेवा जोहार साथियों, आज के वीडियो में हम हिंदी के छोटे छोटे शब्द जैसे मैं, मेरा, मुझे, इस तरह के इन छोटे छोटे शब्दों को जो रोजाना दैनिक जीवन में बहुत प्रयोग किए जाते हैं, इन्हें गोंडी भाषा में आप कैसे कह सकते हैं या किस तरह से बोल सकते हैं सीखेंगे। तो चलिए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला हिंदी का शब्द है मैं। मैं के लिए गोंडी भाषा में आप नन्ना या फिर अन्ना या फिर नन, इस प्रकार से गोंडी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह दूसरा हिंदी का शब्द है मेरा। मेरा के लिए आप गोंडी भाषा में नावा या फिर नावल, इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। हमारा अगला हिंदी का शब्द है मुझे। मुझे के लिए आप गोंडी भाषा में नाकुन या फिर नाक, इस तरह से शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह चौथा हमारा शब्द है हिंदी का हम। हम के लिए गोंडी भाषा में माक, अमोट या फिर अवट, इस तरह के शब्द प्रयोग किए जाते हैं। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। हमारा अगला हिंदी का शब्द है हमारा। हमारा के लिए हम गोंडी भाषा में मावा या फिर मावल, इस तरह से शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको गोंडी भाषा सीखने से जुड़े नए नए वीडियोस हमारे चैनल पर देखने को मिल सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला हिंदी का शब्द है हमें। हमें के लिए आप गोंडी भाषा में माकुन शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। सातवां हमारा हिंदी का शब्द है मुझसे। मुझसे के लिए आप गोंडी भाषा में नावासिन या फिर नाहंगाटल, इन गोंडी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। हमारा आठवां हिंदी का शब्द है तुमसे या फिर आपसे। इस शब्द के लिए आप गोंडी भाषा में नियासिन या फिर निहंगाटल, इस तरह के इन गोंडी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। हमारा अगला हिंदी का शब्द है हमसे। हमसे के लिए आप गोंडी भाषा में मावासिन या फिर महंगाटल, इस तरह से गोंडी शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। अगला हिंदी का शब्द है हमारा आप या फिर तुम। आप या तुम के लिए आप गोंडी भाषा में निम्मा या फिर इमा या फिर निमे या फिर निम या फिर इम, इस तरह के गोंडी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। अगला हिंदी का शब्द है आपका। आपका के लिए आप गोंडी भाषा में निया या फिर निवा, इस तरह से गोंडी शब्द प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह अगला हिंदी का शब्द है आपके। आपके के लिए आप गोंडी भाषा में नियोर एवं आपकी के लिए आप गोंडी भाषा में नियाल, इस तरह के गोंडी शब्दों का प्रयोग एक वचन के लिए कर सकते हैं। अगला हिंदी का शब्द है। है के लिए गोंडी भाषा में मंदा, आंध या फिर मंता या फिर आंधु, इस तरह के गोंडी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगला हिंदी का शब्द है। हैं के लिए गोंडी भाषा में मंदांग या फिर आंदुंग या फिर आयतांग, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अगला हिंदी का शब्द है इस या फिर यह। इस या फिर यह के लिए गोंडी भाषा में इद या फिर इदु या फिर इद, इस तरह के गोंडी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर आपका कोई सुझाव है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।
मिलता हूँ आप सभी से गोंडी भाषा सीखने के एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को सादर सेवा जोहार।